By selling 25 meters of cloth, a trader gains by 5 meter of the selling price. Then traders profit in percentage is. तो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो अगर मान लीजिए 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपए हुआ, तो 25 मीटर का कितना होगा? 25 मीटर का होगा 25 × 1, that is rupees 25। फिर कहा गया है कि 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो अगर 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 है, तो 5 मीटर का कितना होगा? तो गेन यहां से हमारा आ जाता है 5 × 1, दैट इज 5 रुपीस, और ये था हमारा सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस मिल चुका है, गेन हमें मिल चुका है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा 25 - 5, जहां से हमें मिलता है रुपीस 20। फिर पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी 20 × 100, 5 बार में तो प्रॉफिट परसेंट आता है 25%। एंड इस क्वेश्चन का आंसर तब हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज 25% ऑफ प्रॉफिट।